इराक के मोसुल में आईएसआईएस आतंकियों के हाथों मारे गए चार हिमाचलियों के अवशेष कांगड़ा पहुंच गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और डीसी कांगड़ा संदीप कुमार अमृतसर से अवशेष लेकर देर रात कांगड़ा पहुंचे। सबसे पहले एक अवशेष को नूरपुर में उतारा गया और उसे शवगृह में रखा गया। उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन अवशेष शवगृह में रखे गए हैं। इन अवशेषों को कल परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजन इसका अंतिम संस्कार करेंगे। बता दें कि आज दोपहर बाद चार हिमाचलियों सहित 38 भारतीयों के अवशेष लेकर विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर व डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने हिमाचलियों के अवशेष प्राप्त किए। अवशेष लेकर कांगड़ा रवाना हुए। अवशेष लाने के लिए प्रशासन ने विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। परिजन दो सप्ताह से अवशेषों के आने का इंतजार कर रहे थे। अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने का सपना लिए रोजगार की तलाश में इराक गए युवक एक दिन ऐसे लौटेंगे, ऐसी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। परिवार वाले भी उस घड़ी को कोस रहे हैं जिस घड़ी ये युवक हिमाचल से विदेश गए थे। परिजनों का एक लंबा इंतजार तो खत्म हुआ, पर जैसे ये इंतजार खत्म हुआ है वह भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। बस इतना ही सुकून है कि उनके लाडलों को उनकी मिट्टी तो नसीब हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दुखद घटना है हमारे लिए, सबके लिए। तो इसमें जो हमारे एरिया से जिन बच्चों की डेथ हुई थी, जिन लड़कों की डेथ हुई, उनका नंबर 4 है। जिला कांगड़ा से 3 है, एक तहसील फतेहपुर का है, एक तहसील डेरा का है, एक तहसील धर्मशाला का है। और हम अपने साथ मंडी का सुंदरनगर है, उसका भी एक तहसील का शव अपने साथ लाए हैं। तकरीबन आज 2 बजे इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन है वो लैंड किया अमृतसर एयरपोर्ट पर, जिसमें जनरल बीके सिंह इन सब शवों को लेकर, उसमें पंजाब के, बिहार के और बांग्लादेश के भी शव थे। तो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हम वहाँ से करीबन 4 बजे चले हैं अमृतसर से। अब ये शव जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहुँचा दिए हैं। एक शव हमने नूरपुर मॉर्चरी में स्टोर कर दिया और 3 शव जो है ओवर नाइट हम यहाँ टंडा मेडिकल कॉलेज में स्टोर। अर्ली मॉर्निंग मंडी का जो कॉफी है उसको हम 5 o'clock के यहाँ से डिपार्ट कर देंगे, सो देखिए वो टाइम से अपने एरिया में पहुँच जाएंगे। और 7:30-8 के बीच में हमारे एरिया के जो शव है वो यहाँ से हम रवाना करेंगे। सर, जो स्थानीय प्रशासन की ओर से खुद सपुर्द किए जाएंगे पीड़ित परिजनों के, या फिर यहाँ से वो खुद लेने आएंगे, किस तरह से? अभी तो अरेंजमेंट हमने खुद करे हैं कि हम खुद, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके घनांगन तक उन जो मोटल रिमेन्स उनको पहुँचाएं। लेकिन कोई परिवार का आदमी कंपनी करना चाहता है तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं मना नहीं। सर, बीच में ये भी सवाल उठा था कि ताबूत के साथ ही जो है वो इनको जलाया जाएगा, सपुर्द खाक मतलब जाएगा, लेकिन जो मोटल रिमेन्स हैं ये बॉडीज नहीं है, ये डिकम्पोज्ड एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि अवशेष ही हैं। अस्थि पिंजर है, स्केल्टन है सारा का सारा, और काफ़ी टाइम से इनकी केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है, बिकॉज इनके साथ DNA का टेस्ट भी हुआ है। और अभी ये हम बगदाद से ट्रांसपोर्ट किए गए हैं इस एरिया में, तब भी ये केमिकली मतलब इनके ऊपर केमिकल्स का लेप किया है। तो यदि इन बॉडीज को खोला जाएगा या इन जो भी मोटल्स में इनको खोला जाएगा तो साइट जो है वो फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छी नहीं होगी। बड़ा उनके साथ पहले ही हमारी संवेदना है, तो इस सेंसिटिव माहौल को देखते हुए हमारी एडवाइस है कि ना खोलें। बाकी तो जो भी है उन्हीं का है ये मोटल्स में, अगर वो खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि ना खोलें, बाकी तो उनकी प्रॉपर्टी है।